इंदौर में प्रदेश के एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश तकलेचा की मौजूदगी में एक वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें कई उद्योगपति और विभाग के सचिव एवं उद्योग आयुक्त पी नरहरि भी मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री सकलेचा ने कहा है कि अभी देश के खिलौना और फर्नीचर बाजार में चीन में बने उत्पादों का दबदबा है। हालांकि राज्य में बन रहे टॉय और फर्नीचर क्लस्टर के शुरू होने के बाद चीन का ये दबदबा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन के स्तर का और उससे बेहतर सामान अब प्रदेश में ही बनेगा। क्लस्टर चालू होने से प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इंदौर जिले के बेटमा में करीब 180 एकड़ क्षेत्र में फर्नीचर क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। वहीं राऊ और रंगवासा इलाके में करीब 20 एकड़ क्षेत्र में टॉय क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब समय की गति के हिसाब से सब लोग तेजी से काम करने लगे। पहले भी आपके में मीडिया का ही तुलना लूं, पहले एक न्यूज एक अखबार कितने समय तक उसकी न्यूज़ रहती थी, और अब न्यूज़ सेकंडों या मिनटों में, अगर आप 5 मिनट लेट होते तो आपकी न्यूज़ को बासी बोल देते, पहले 24 घंटे में बोलते थे। तो जिस गति से लोगों की गति बनी है आज के समय की, उस गति से कार्गो हब भी बनेगा, एक्सपोर्ट का तेज़ी से काम भी होगा, और इस क्लस्टर में भी कुछ फर्नीचर के एक्सपोर्टर जो जोधपुर में 10-10 कंटेनर पर डे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ उन सब लोगों ने भी यहाँ जगह दे के काम शुरू करने का संकल्प किया। क्या एक समय सीमा आप दे पाएंगे, हम एक समय सीमा बता पाएंगे क्या? हम 2022 में इस क्लस्टर को 100% प्रोडक्शनाइज कर देंगे। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। आज हम हर स्थिति में चाइना से बेहतर स्थिति में है, क्योंकि चाइना जिन चीज़ों के कारण आगे बढ़ रहा था, हमने उन सब बिंदुओं को इस क्लस्टर योजना में कवर किया है। वो जल्दी से चालू हो जाएगा, वो भी 18 महीने में प्रोडक्शनाइज हो जाएगा। लैंड बैंक की क्या स्थिति है, जमीनें हैं? इंदौर में क्लस्टर फॉर्मेशन और क्लस्टर कई ट्रेड के शुरू करने में और क्या क्या बातें हो सकती है, उनकी चर्चा के लिए ये गोष्ठी का आयोजन रखा गया है। हमने पीछे 2-3 क्लस्टर का अलग अलग योजनाओं के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रूवल किया था, और उसमें जो भी पॉइंट और इनके सुझाव है, उसके लिए गोष्ठी करके अगले 10 दिन में कैबिनेट में इसका अप्रूवल करवा कर काम शुरू करना है। इसी माह में माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि इंदौर में फर्नीचर क्लस्टर, टॉय क्लस्टर का भूमि पूजन करके तेजी से हम काम करें, और आज हम कोशिश ये कर रहे हैं, अब हम एंटरप्रेनर की जगह यहाँ अब सब उद्योगपतियों को, उद्योगपति या एंटरप्रेनर की जगह जॉब प्रोवाइडर या रोजगार प्रदाता के रूप में उन्हें अगर संबोधित करेंगे तो एक अलग मानसिकता बनेगी, और उनका भी हिम्मत और करेज आगे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने में उनकी शक्ति लगेगी। सर, उसके पहले कंफ्रेंस चल रही है, क्योंकि मैंने अभी अपने उद्बोधन में भी ये बात कही थी, और हमारे नए जो पहले एमएसएमई सेक्रेटरी थे, अब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एनर्जी के सेक्रेटरी भी हैं, उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ जो रेशो है इंडस्ट्री वर्सेस एग्रीकल्चर का, वो बहुत कम है दूसरे राज्यों के मुकाबले। जब हम थोड़ा सा यहाँ बढ़ाएंगे तो अपने आप जो सब्सिडी कृषि की है उसका लोड इंडस्ट्री पे कम होगा, तो वो अपने आप एट पार टेरिफ आ जाएगा। मेरा ख्याल है 1.5 साल में हम इस स्थिति में होंगे कि हम इन लोगों की, जब ये इंडस्ट्री प्रोडक्शन में आएगी तब तक हम इनके टेरिफ में कुछ सहयोग कर पाएंगे। सर, एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं, क्लस्टर के प्रयास में
क्या कारण रहा है उन सब की डिटेलिंग में भी हम जा रहे हैं, और इन क्लस्टर्स की चर्चा के लिए सामने सबकी क्या क्या कारण हो सकते हैं देरी के या असफलता के, उन सब की चिंतन करके उन सब बिंदुओं को कवर करते हुए आगे बढ़े, इसीलिए आज की ये गोष्ठी रखी गई है। सर, टैरिफ का बड़ा इशू रहता है, बिजली के टैरिफ को लेकर कुछ महंगी बिजली। देखिए, कुछ लोगों की गलती के कारण, कुछ लोगों की नियमों के प्रति पालन ना करते हुए दुरुपयोग के कारण हम किसी पूरे ट्रेड को बदनाम नहीं कर सकते। अगर इंडस्ट्रीज बिल्कुल नहीं आई होती तो ये रोजगार के क्या स्थिति होती, तो रोजगार भी आ रहे हैं, 5-7% लोग गड़बड़ी कर रहे हैं तो उन्हें भी ठीक करा जाएगा, और हम तेज़ी से और तेज़ी से नए इंडस्ट्रियल अलाटमेंट के नियम में हमने बहुत स्पष्ट करा है कि 2 साल में अगर जिसने प्रोडक्शन नहीं किया उसकी लीज स्वयंतः कैंसिल हो जाएगी, उसको एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। जो पहले सख्त नियम नहीं थे वो सख्त नियम कर दिए गए। एक्सटेंशन की अगर उसे समय सीमा बढ़ानी पड़ेगी 6 महीने की, तो उसकी हेवी कास्ट रखी गई है ताकि वो उसे उस स्थिति में ना आए। धन्यवाद। मैं इंदौर आया था पहली बार, जो ये लोगों का कहना था कि इंदौर या आसपास तो कोई ज़मीन है ही नहीं सरकारी, आज हमने हजारों एकड़ ज़मीन निकाली, हजार नहीं हजारों बोल रहा हूँ, और हमने 1000 एकड़ के करीब ज़मीन अलाट करने की प्रक्रिया इस अगले 2 महीने में पूरी हो जाएगी, हमारे पास आ गई है, और बिना किसी को हटाए बिना अतिक्रमण तोड़े सरकार की ज़मीनें चिन्हित कर रोजगार प्रोवाइडर को उपलब्ध कराएंगे। आज मध्य प्रदेश शासन के सूक्ष्म मध्यम उद्योग मंत्रालय का क्लस्टर विकास को लेकर एक उद्योगपतियों के साथ पूरा प्रेजेंटेशन हुआ, किस प्रकार से क्लस्टर का विकास किया जाएगा, किस प्रकार से क्लस्टर बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जरूरी जो सामग्री है उसकी व्यवस्था कैसे करना है और क्या तकनीक रहेगी, और क्लस्टर विकासकर्ताओं को अपने संसाधनों से उस ज़मीन का डेवलपमेंट करना होगा, रोड सड़क बिजली पानी उद्योगपति स्वयं अपने खर्चे से उसका विकास करेंगे, शासन उन्हें ज़मीन मुहैया कराएगा, बदले में उस विकास के ऊपर हुए खर्च का जो भी केंद्र सरकार की योजना है क्लस्टर विकास योजना उसमें उनको सब्सिडी के रूप में ग्रांट प्रदान की जाएगी, और पर्टिकुलर एक ही तरह के उत्पादों को लेके एक क्लस्टर का निर्माण होगा। अभी फर्नीचर क्लस्टर और टॉय क्लस्टर इंदौर शहर में आकार ले रहे हैं। फर्नीचर क्लस्टर में लगभग 120 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं, उम्मीद है कि 20,000 लोगों को वहाँ रोज़गार मिलेगा और लगभग 400 एकड़ में ये क्लस्टर स्थापित होगा। इस प्रकार से टॉय क्लस्टर भी एक छोटे स्तर पे 12-15 एकड़ में शुरुआत हो रहा है राहू के अंदर। इसके अलावा हमारे यहाँ पर प्लास्टिक आर्टिकल के क्लस्टर की तैयारी चल रही है, प्लास्टिक रिप्रोसेस के क्लस्टर की तैयारी चल रही है, फार्मा क्लस्टर की तैयारी चल रही है। एक इंदौर की बहुत ही पुरानी पहचान थी किसान टॉर्च को लेके, तो जो बैटरीज का रिलेटेड क्लस्टर है बैटरीज बनाने का, वो भी यहाँ पर इंदौर में अतिशीघ्र प्रारंभ होने की संभावनाएं बन रही है। एक बहुत अच्छा प्राकृतिक वातावरण यहाँ पर निर्मित किया हुआ है, उद्योग वातावरण मध्य प्रदेश शासन के द्वारा माननीय मंत्री जी के द्वारा। मैं समझता हूँ कि आने वाले वर्षों में क्लस्टर के रूप में अगर उद्योग चलेंगे, ये आज की पूरी बातचीत का ब्यौरा है। मेहता जी, इस तरीके से नया नियम आया है कि 2 साल में प्रोडक्शन शुरू करना ही होगा, वरना जो भूमि आपको दी जाएगी वो शासन द्वारा। आज MSME सेक्टर से संबंधित विशेष कार्यशाला यहाँ पर इंदौर में आयोजित की गई है। जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पिछले साल भर से कुछ एक सेक्टर्स के ऊपर जो फोकस किया गया है, जैसे कि फर्नीचर सेक्टर, टॉय क्लस्टर, इन तमाम विषयों के तारतम्य में अभी बहुत सारे पॉलिसी यानी कि
नीतियों का निर्माण हो रहा है, उन नीतियों के निर्माण के तारतम्य में भी, क्योंकि इंदौर हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ के सभी उद्योगपति, यहाँ के जितने भी संस्थाएं हैं और उद्योग से जुड़े हुए संस्थाएं, उन सभी के साथ में जो है आज एक कार्यशाला रखा है, जिसमें जो नीतियों का निर्माण हो रहा है उस उन नीतियों के निर्माण के तारतम्य में सुझाव, और उसके साथ साथ कैसे बेहतर हम इस MSME सेक्टर में मध्य प्रदेश में काम कर सके, उसके तारतम्य जो है आज विस्तृत रूप से एक दिवस की कार्यशाला यहाँ पर रखी गई है। सर जो पुराने देखिए, दो वर्ष जो है वह पर्याप्त समय होता है कई उद्योगों के लिए, जिसमें बहुत ज़्यादा शासकीय अनुमतियों की अगर आवश्यकता नहीं होती है। फर्नीचर क्लस्टर नॉन पॉल्यूटेड एरिया, नॉन पॉल्यूटेड इंडस्ट्रीज़ का क्लस्टर है, वहाँ पे शासकीय अनुमतियों की मैं समझता हूँ कोई समस्या नहीं आएगी, और शासन भी शासकीय अनुमतियाँ शीघ्र प्रदान कर रहा है, टाइम लिमिट में कर रहा है, क्लस्टर के लोगों को जल्दी प्रदान कर रहा है। तो इसमें दो वर्ष काफ़ी होते हैं अपना बिल्डिंग बनाने से लेके प्रोडक्शन लाने तक, अगर हम दो वर्ष में भी उद्योग चालू नहीं कर पाते हैं तो ये बड़ी विडंबना होगी, बल्कि एक वर्ष के अंदर उद्योग प्रारंभ हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। आपका पूरा परिचय? योगेश मेहता, प्रदेश संयोजक आर्थिक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी, उपाध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश।